सीएम योगी ने अंबेडकर नगर में 1231 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अंबेडकर नगर जिले में कटहरी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करके 1231 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 60,200 पुलिस भर्ती पूरी होने जा रही है और जैसे ही यह भर्ती पूरी होगी 40,000 पुलिस भर्ती फिर से शुरू कर दी जाएगी। पिछले दिनों सुल्तानपुर में मुठभेड़ में मारे गए डकैत और अयोध्या तथा कन्नौज में बेटियों के साथ हुए दुराचार में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। इससे कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं, और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया सागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? अरे वो किसी भी जाति के हो सकते थे, ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था क्या? एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये